यहाँ पर आने के लिए ऐसा लगाना पड़ेगा गाइस, जन्नत है भाई, जन्नत है भाई, ताजमहल पे जन्नत है भाई। 200 रुपया टिकट लगा, 200 रुपया जाएगा। हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ घूर के घूर के घूर के घूर के घूर के घूर के भाई। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल, दिस इज योर विक्रम फ्रॉम अलीपुरद्वार। तो आज हम लोग क्या बोलते हैं दिल्ली पे हो, तो अभी हम लोग को ताजमहल जाना पड़ेगा इस घूमने के लिए। तो मेरे साथ है मेरा दादा, आगरा में यार, दिल्ली में नहीं, अभी आगरा में। सॉरी सॉरी, आगरा का तो आए अभी, इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको आगरा का। तो अभी निकलते हैं गाइस रूम से, हम लोग का रूम देखो गाइस, ये सा है, ये है बाथरूम, तो चेकआउट अभी कर लिया हम लोग ने। तो अभी चलो, लेट्स गो। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग टिकट काउंटर पे, एंड वहाँ लाइन देखो, आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर है ताजमहल ऑनलाइन बुकिंग। ओहो सिंपल, अभी यहाँ पर करना पड़ेगा हम लोग को। सो बाहर चेक करें गाइस, ये है गेट, लाइफ में फर्स्ट टाइम। दादा तो आ चुके हैं यहाँ पर, पहले आगे में आ चुका है यहाँ, एंड मेरा है फर्स्ट टाइम। ये देखो गाइस बाहर का नजारा, गाइस वो देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर एक ताजमहल, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ घूर के घूर के घूर के घूर के घूर के घूर के। इसको बोलता है जन्नत, जन्नत है भाई, जन्नत है भाई, ताजमहल पे जन्नत है भाई। तो अभी चलो गाइस अंदर चलते हैं। ये है मेन गेट, मेन नहीं, जो ताजमहल देखता है ये, इसका पार होके, ये पार होके लिखा था यहाँ के लिए था गेट को के नाम है। यहाँ पर है जो कुछ भी नाम है, यहाँ सब मंकी किंग क्या क्या है मुझे भी पता नहीं है गाइस। तो अभी एंट्री होने वाला है हम लोग का। तो यहाँ पर है जो फॉरेनर तब को ब्लॉग में हाई भन्नु लाउनु न गए हैन लाई हस हस न भन्नु मलाई अलिक। सो गाइस जस्ट वन सेकेंड, हम लोग ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं। तो आने वाला है गया गाइस, तो चेक दिस आउट। दादा कैसा लग रहा है आप लोग? तो गाइस देखो कितना सारा पब्लिक और देखने के लिए आ रहा है, बाहर से भी आता है, इंडिया से भी आता है, वो अमेरिका, दुबई, हांगकॉन्ग, सब देश से यहाँ आते हैं देखने के लिए। तो मे भी गाइस आप लोग एक दिन आना गाइस यहाँ पर, और बाहर में ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पर घूमने जगह वहाँ पर भी। तो हेलो गाइस, हम लोग फाइनली जा रहे हैं अभी वहाँ पर उठने के लिए, और यहाँ का यहाँ से अंदर जाने के लिए टिकट काटना पड़ेगा गाइस, और वहाँ पर होगा ये टिकट काउंटर, एंड यहाँ वहाँ पर जाके हम लोग को टिकट काटना पड़ेगा गाइस। तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं वहाँ पर, एंड आप लोग को दिखाऊंगा और क्या जैसा होता है अंदर पे अलाउ है कि नहीं है मुझे भी पता नहीं है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोशूट। तो वहाँ पर हम लोग जाने वाले गाइस, बाहर बहुत पब्लिक खड़ा है, गर्मी। हम लोग तक लद्दाख से बैठ के आए, ज़्यादा यहाँ पर आके बहुत गर्मी लग रहा है क्या? हाँ कि नहीं ब्रदर? यस कि नो? गर्मी। सो ये है गाइस, वहाँ पर पानी जैसे लग रहा है लेकिन वहाँ पर है नहीं पानी, आप लोग का अपडेट रहता हूँ आप में। और क्लीन कर रहा है गाइस, यहाँ पर पानी होगा अभी, कोई बात नहीं हमें। तो गाइस अभी आप लोगों को मैं सिनेमेटिक चेक कर रहा था गाइस, तो देखो गाइस सिनेमेटिक शॉट। But you don't look like four.
यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। सो ऐसा है गाइस, राजा और रानी का नाम तो था छ नहीं दाता वाले शाहजहान और मुमताज हो। शाहजहान एंड मुमताज, यही यही वो कॉल है, मतलब पूरे ऐसा था मुमताज को, मुमताज एक्चुअली शाहजहान राजा थे नहीं, राजा ले शाहजहान ले बनाको के मुमताज को लागी माने मुमताज ले यहां रखे को माने के पछि राजा मरे पछि राजा को पनि हो त्यही राखे छ। मेरा बड़ा बड़ा मम्मी, मेरा पहला बड़ा के रे मॉम का नाम भी था जमुना, एंड ये है जमुना नदी। जमुना, जय श्री राम, जय जमुना। सो गाइस चेक दिस आउट, जमुना नदी ये है, ये है ताजमहल और ये है जमुना नदी। तो यहाँ पर यहाँ से राजा और रानी ऑर्डर करता था वो विदेश, उस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं था, जो कि वो फ्लाइट और ट्रेन कुछ नहीं था, इसलिए नदी से आता था जाता था एंड ऐसे ही करता था। और ये है मस्जिद गाइस, ताजमहल का जहाँ से भी देखो गाइस ऐसे ही दिखता है गाइस का ताजमहल, लेफ्ट साइड राइट साइड पीछे तरफ और आगे तरफ सब एक जैसा ही लगता है गाइस ये। तो गाइस अंदर चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस देखो हम लोग का पैर में जूता पे क्या लगा चुके हैं हम लोग। यहाँ पर आने के लिए ऐसा लगाना पड़ेगा गाइस, पैर में एक सेफ्टी सेफ्टी नहीं वो कवर, इसलिए गाइस। तो अभी यहाँ से एंट्री करना पड़ेगा हम लोग को, आ चुके गाइस उधर से आ चुके हम लोग, क्या क्या के यहाँ से यहाँ होके यहाँ, एंड अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। 200 रुपये टिकट लगा, 200 रुपये तेरा घर जाएंगा ऐसा लगता है गाइस, 200 रुपये और वहाँ पर कितना 250 ऐसा वैसा मन से यहाँ पर आना नहीं सकते गाइस। तो गाइस यहाँ से चलो अभी चलते हैं अंदर, क्या होता है क्या नहीं मुझे भी पता नहीं। देखो ना गाइस कितना ऊंचा है यार पहाड़ में कैसे उठेगा मैं केदारनाथ पे अभी। सो गाइस चेक दिस आउट, नाउ फॉरेनर गाइस मस्त। अभी गाइस आ चुके हम लोग, दिस इज अ जन्नत, ढुङ्गाहरू लगाएको थियो कि यस्तोमा भित्रमा अब एलाउड नै अब यहाँ पर राख्दैगा तो अभी भित्र जाते एलाउड नै गाइस यहाँ पर। A few moments later. Guys, आप लोग देख सकते हो नीचे का नजारा, ये ऊपर से नीचे का नजारा ऐसा देखते है गाइस। चलो अभी फिर चलते हैं अभी, ओ यहाँ पर जो अभी नीचे चलते हैं गाइस। चलो नीचे चलो, ऐसा ही नीचे जाने का रास्ता, चल चलते हैं। ये सब है अभी, इसको क्या करना पड़ेगा गाइस, ऐसा करके खिलाना पड़ेगा अभी 20 रुपये गया हम हमारा। ओके सो गाइस हम लोग ताजमहल से बाहर आ चुके हैं एंड बाहर का नजर ऐसे है गाइस, बाहर का नजर गाइस वो है राजा, तभी चलते हैं गाइस। ताजमहल देखकर हम लोग चले आए फातेहपुर सीकरी। ओके सो गाइस हम लोग फातेहपुर सीकरी पे आ चुके हैं एंड अभी यहाँ पर टिकट सीकर लेना पड़ेगा गाइस। ये फातेहपुर सीकरी, सारा फातेहपुर जितना ही नजर आता है। हाँ जी फातेहपुर छोटा सा इलाका, 30,000 का आबादी। हाँ सीकरी पुराना पीछे दोनों को मिला के बोलते ना फातेहपुर सीकरी। हाँ वो केले का बाउंड्री है जंगल में जितना टूटा फूटा। हाँ फॉलो सिटी बॉल बाउंड्री बॉल इन फाइट में 10 किलोमीटर 6.5 मील करी है, नो गेट इसके अंदर, इस गेट से आपका गाड़ी कार अंदर आया तो उसका नाम आगरा गेट, अकबर खाने जाने के लिए 8 गेट से आम जनता आम पब्लिक आती थी। ये जेल खाना नजर आता ना भैया, जेल खाना नहीं गरीबों का लंगर खाना बेड़ा, अकबर के समय यहाँ गरीबों को खाना मिलता था, दाल चावल चपाती पूरी साथ। अभी भंडार होता अंदर में पीर बाबा की दरगाह है, लोग जाते अपने नाम से, अपनी मम्मी पापा नाम से चढ़ाते हैं वहाँ चादर,
मानते मन्नत भगत हर मन्नत मरद पूरी होती है। तो जोधाबाई का किचन था जहाँ उनकी दासी खाना बना के गरीबों बांटती थी। अभी जूता वहाँ खोलेगा चौकीदार के पास मिल चलेगा। फतेहपुर सीकरी का नजारा गाइस, यहाँ पर बहुत युद्ध। फतेहपुर सीकरी का अकबरी गेट, हाँ अकबर जानी है तो घुसती हाँ। थी हाँ। अंदर दरगाह पे चादर चढ़ाने। चलो अभी अंदर चलते तो वो दरगाह है वाइट वाली, देखते ना आप लोग हाँ। सलीम चिश्ती का मजार, किसका? सलीम चिश्ती का समाधि। अच्छा। अकबर का धर्म गुरु। अच्छा अच्छा। अकबर का तीन रानी का बाबूजी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। अकबर का राजधानी दिल्ली था, दिल्ली से लाख के लिए अजमेर आया। अजमेर दरगाह ना ख्वाजा गरीब नमाज चिश्ती दरगाह है, वहाँ जान के प्रार्थना करी दुआ करी, लेकिन वहाँ सपना होल्ड हुआ तो राजधानी फतेहपुर सीकरी मिलेगा। अजमेर से चल के नंगे पैर नंगे सिर्फ फतेहपुर सीकरी आए थे। बाबा चिश्ती महाराज की दुआ, इनकी प्रार्थना से हिंदू रानी जोधाबाई से ना सलीम का जन्म हुआ था। बाकी इसके लेकर स्टार्ट किया ना फतेहपुर सीकरी 1570 में स्टार्ट हुआ था, सन 1582 में बन के कम्प्लीट। इसको बनने में 12 साल लगा था, 12 ईयर्स इसको पूरे को। 1570 में स्टार्ट, सन 1582 में कम्प्लीट। इसको बनने में पूरे 12 साल में लाखों मजदूर थे, रोटी कपड़े काम करते थे। 1586 में अकबर छोड़ के चले गए। अकबर ने यहाँ 16 साल राज किया। 1605 में अकबर देहांत का इंतकाल हो गया। उनका मकबरा समाधि आगरा में है। सिकंदरा में अकबर का टूम बना है मथुरा रोड ताजमहल के 6 किलोमीटर दूरी पर। ये मेन गेट है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद के माने बड़ा, दरवाजा माने गेट। इसका ही बैकग्राउंड है। हम लोग बाहर चलेंगे, फ्रेंड से नजर आएगा। आओ अनारकली का शूटिंग होगा। आपने परदेश के अंदर होता था बरामदे में। परदेश मुगले जाम ही राजा गरम हवा लाल पत्थर। अच्छा, बहुत सारे शूटिंग होता है। मेरी बिरादर की दुल्हन तीन कच्चे धागे, हाँ कच्चे धागे देखा आपने? अजय देखा सैफ अली खान दरगाह पे चादर चढ़ाना आता है, धागा बांधना आता है। अच्छा, कसको कसो थिएन हो यो फेरि ये किसके किसका वो है समाज? ये दोनों बहनों का कब्र है, बाबा के खानदान का दोनों बहन का। दानिया मुराद, दानिया बड़ी बहन, मुराद छोटी। पर्दा जाली का दिया है। जहाँ दरवाजा पत्थर का लगता था वो टूट गया है, गवर्नमेंट उसको मेंटेन कर रहा है। इधर आओ, खानदान है ना, बाबा के खानदान परिवार के लोग हैं। सलीम चिश्ती का परिवार के लोग मर गए ना, उनका अभी समाधि है। बाहर में जेंट्सों का है, अंदर जाली गेट के अंदर लेडीज का है। लेडीज एंड जेंट्स पर्दा सिस्टम जैसा मुस्लिम बंदोज का है। ये बाबा खानदान के लोग हैं, अंदर लेडीज बाहर जेंट्स। फॉलो फीमेल्स, लेडीज पर्दा सिस्टम बाहर जेंट्स, जाली का पर्दा। वो जमाने कोई पंखे कूलर नहीं था, ये बिना लाइट का पत्थर का कूलर है। उनके रानी बैठते हैं हवा खाती थी। वो जमाने को लाइट पंखे कूलर नहीं था, इसका उनका लाइट पंखे कूलर है, बिना लाइट का पत्थर का कूलर, जहाँ उनकी रानी हवा खाती थी। एक नहीं तीन है भैया, एक नहीं तीन है, एक दो तीन। वो जमाने समाधि वगैरह नहीं था, पर रानी बैठ के प्राइम मिनिस्टर नहीं करती। फतेहपुर सीकरी में सब कुछ देखकर हम लोग बाहर निकल गए। ओके सो गाइस, हम लोग फतेहपुर से निकल चुके हैं एंड अभी हम लोग को जाना पड़ेगा केदारनाथ के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना एंड इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।